नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हॉबी भारत चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंडिया गवर्नमेंट मिंट की वेबसाइट पे जाके यूएनसी और प्रूफ कॉइन सेट खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेके बाइंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। आपको अपना वेब ब्राउज़र खोलना है और उधर लिंक में डालना है www.spmcil.com। एंटर प्रेस करते ही वेबसाइट लोड हो जाएगी और आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये ऐड को आप बंद कर सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं वेबसाइट पे। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको क्लिक साइन इन साइन अप पे करना है। ये स्क्रीन आएगी, इसमें आपको फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और ये स्क्रीन आते ही आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। चलिए डिटेल्स भर देते हैं इसमें हम। दोस्तों, इस वेबसाइट में ग्लिच है। मैं जैसे ही इंडिया सिलेक्ट करूँगा तो ये हमको पीछे की पेज पे वापस भेज देगा। चलिए सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं अभी, और ये आप देख सकते हैं हम पिछले पेज पे वापस आ गए हैं। आपको फिर से न्यू यूज़र क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और आपकी सारी डिटेल्स जो आपने पहले भरी थी सब सेव्ड रहेंगी। अब इसमें कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम खुल गया है तो आप अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। इसमें कस्टमर टाइप के दो ऑप्शन रहते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वो आप अपने हिसाब से भर दीजिए, मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद पे हम जाएंगे पासवर्ड पे। आप अपने हिसाब से एक सिक्योर पासवर्ड इस पे सेट कर दीजिए और उसको कहीं लिख लीजिए ताकि आप कहीं भूल ना जाए। चलिए एक बार पासवर्ड भी हम कन्फर्म कर लेते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। डोंट सेव। ये हो गए हम रजिस्टर्ड और हम हो गए हैं लॉगिन। ये पेज पे हम आ जाएंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे होम स्क्रीन पे और फिर से वही स्क्रीन आ जाएगी जो हम वेबसाइट खोलते उस टाइम पे जो आती है। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे कमेमोरेटिव कॉइन्स है और हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसमें इस स्क्रीन में मिंट वाइज जो जो कॉइन्स सेलिंग के लिए अवेलेबल है वो आपको दिखाई देंगे। चलिए हम एक बार सारे कॉइन्स पे नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट में एक फीचर है जिसमें आप बिना क्लिक किए कॉइन का ऑब्वर्स और रिवर्स देख सकते हैं। आपको सिर्फ अपने माउस का कर्सर उस कॉइन के ऊपर लेके जाना है और वो ऑब्वर्स और रिवर्स आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। चलिए अब परचेज के लिए हम कोई कॉइन सिलेक्ट करते हैं। तो कौन सा सिलेक्ट करूँ, ये कर लेते हैं, UNC यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। अब हम इस कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे
और ये स्क्रीन दोस्तों दिखाई देगी। इस स्क्रीन में दोस्तों हम जितने कॉइन्स खरीदना चाहते हैं उसकी हम क्वांटिटी बॉक्स में उसकी क्वांटिटी लिख देंगे, मैंने एक डाला है, और हम करेंगे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करते ही आपको आपका टोटल दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप और कॉइन्स ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड मोर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है वी हैव रेड एंड अग्रीड टू द परचेज टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम करेंगे चेकआउट। चेकआउट करने पे हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन वापस दिखाई देगी, इसको एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिए। अब चलते हैं पेमेंट ऑप्शंस की तरफ। आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई में दो तरीके हैं, यदि आप यूपीआई आईडी डालना चाहते हैं या फिर आप क्यूआर कोड से भी पे करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, आप अपने फ़ोन से वो क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं, और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी आपको आपके ऑर्डर की कंफर्मेशन मेल पे और आपको एसएमएस के द्वारा मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा आप जब अपने अकाउंट पे वापस जाएंगे तो आपको अकाउंट्स सेक्शन या अकाउंट्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन आएगी। दोस्तों इसमें जो ट्रैक ऑर्डर न्यू फ्लो सेक्शन है, इसमें आपने अगर कॉइन बुक किया है तो उसकी सारी डिटेल्स दिखाई देंगी, उसकी आपको रिसीट मिलेगी और उसकी ट्रैकिंग डिटेल्स हर चीज़ आपको मिलेगी। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रहे कि आपको आपका कॉइन डिलीवर होने में कुछ महीनों का समय लग सकता है, लेकिन इंडिया पोस्ट के द्वारा आपको आपका कॉइन ज़रूर मिलेगा। इसके साथ आज का हमारे वीडियो पूरा होता है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।